पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में पुराने कपड़ों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दूर तक धुएं का गुब्बार फैला है। आसपास के कई दूसरे गोदाम भी आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी हुई हैं। हादसा मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में रानी नागल का है। यहां फटे पुराने कपड़ों से दरी बनाने का काम होता है। आसपास इसी तरह के कई गोदाम हैं जिनमें पुराने कपड़ों के ढेर लगे रहते हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। आग की लपटों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है। ये रानी नांगल गांव राणा सुगर के पीछे में एक जगह है जहाँ पे आग लगी थी। सूचना हमें 3:48 पे हमें फायर स्टेशन पे कंट्रोल रूम पे मिली। हमारी तुरंत गाड़ियाँ वहाँ से रवाना होकर के घटनास्थल पर पहुँची। विद इन 20 मिनट्स हमारी यूनिट्स वहाँ पर पहुँची। घटनास्थल पर पहुँचने पर पाया गया कि आग जो है बुरा रूप धारण कर चुकी है, काफ़ी दूर तक फैल गई है। तो हमारी दूसरी यूनिट को बुलाया गया। अन्य यूनिट से हमारी दूसरे फायर स्टेशन मुरादाबाद से, कटघर से, ठाकुरद्वार और कांट से तुरंत रवाना की गई। घटनास्थल पर हमारी उस टाइम पर 5 गाड़ी पहुँच गई थी और उसके बाद आग पर काबू पाना स्टार्ट किया। हमने चारों तरफ से आग को घेरते हुए उस पर काबू पाया। ये आग जो है एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 8-10 बीघे का है। उसमें वेस्ट कपड़ों को रिसाइकिल करने के लिए उसको वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद उसको सेग्रीगेट करके दूसरी जगह भेजा जाता है। तो जो वेस्ट कपड़ों का मटेरियल होता है वो गांठे बांध करके, गठीरे बांध करके ट्रक के जरिए जगह जगह पर उतारा गया था। इसकी वजह से खुले में ज़्यादा मटेरियल होने की वजह से और हवा उस दिशा में बढ़ने की वजह से आग जो है फैलती चली गई। और दूसरी यहाँ पे 8-7 गोदाम भी है जिनके अंदर भी उस तरह का मटेरियल भरा हुआ था। तो गोदाम के अंदर में आग होने की वजह से, धुआं अधिक होने की वजह से उसमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन हमारे फायर फाइटिंग के जवानों ने गोदामों की आग को लगभग दो मिनट से बुझा दिया है। बाकी फील्ड की आग है उसको भी धीरे धीरे काबू पर पाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह की आग जो होती है वो वैसे बुझा नहीं सकते पानी से डरें, क्योंकि डीप सीटेड फायर होती है। तो इसके लिए JCB का प्रयोग करके उसको कुरेद करके धीरे धीरे आग को बुझाया जा रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे पास 2 रामपुर से फायर टेंडर हमने मंगाए हैं। तो हमारे पास टोटल घटनास्थल से 7 फायर टेंडर हमारे बाथरूम के मौजूद है। तो हमारे फायर पम्प अलग से वर्किंग में है, गाड़ियाँ लगातार काम कर रही है। जैसे ही पानी खत्म होता है राणा सुगर मिल में हमें पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, वहाँ से तुरंत पानी भर करके हमारी गाड़ियाँ पानी के यहाँ पे फायर फाइटिंग ऑपरेशन को जारी रखती है। सर टोटल कितना टाइम हो चुका है? ये समझ लीजिए लगभग 4 बजे से और 4 घंटे से ऊपर का समय अभी हो चुका है और अभी और समय लगेगा, क्योंकि इस तरह की आग जो है वो डीप सीटेड फायर होती है। कपड़ों की आग होती है, कपड़ों के गट्ठर में और उसके ढेर में आग लगी हुई है। जगह जगह बहुत सारे ढेर लगे थे, तो इसलिए इस आग को बुझाने में टाइम लगेगा और मैं समझता हूँ अभी और 3-4 घंटे इसमें लगेगा। किसी प्रकार की जनहानि? कोई जनहानि नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से बिल्कुल ओपन एरिया था। तो जैसे आग लगी सब लोग यहाँ से निकलते साइड में हो गए, फायर सर्विस तुरंत मिले। तो आगे उन्होंने अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को इवैक्यूएट कर दिया। जो लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे अपने सामान को बचाने के लिए, उनको फायर सर्विस ने पुलिस की मदद से उनको बाहर निकाला, उनको जाने से रोक दिया। तो कोई जनानी नहीं, कोई घायल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। जैसे देखा जा रहा सर आग को बार बार बुझाया भी जा रहा, लेकिन आग फिर से होती है तो क्या? ये इस तरह की आग जो होती है जो घेर में लगती है उसको ऊपर से बुझा दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी अंदर डीप सीटेड फायर होने की वजह से अंदर से दोबारा आग। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।